कि मैं हूं खंडित भाल हिंद का कश्मीर कहलाता हूं, कि मैं हूं खंडित भाल हिंद का कश्मीर कहलाता हूं। अपने अंतर मन की बातें तुमको आज सुनाता हूं। वर्षों से आतंकवाद की पीड़ाएं सहता आया, आतंकी संगीनों का हरदम ओढ़े रहता साया। मेरी छाती पर दुश्मन के ध्वज फहराए जाते थे, पाकिस्तान समर्थित नारे खूब लगाए जाते थे। मेरी केसर की घाटी में खून बहाया जाता था, भारत का पावन विधान भी रोज जलाया जाता था। दुश्मन के नापाक कदम अपमानित करते आए थे और विवादित हिस्सा मुझको अब तक कहते आए थे। इधर देश के अंदर मेरा अलग ही ताना बाना था, संवैधानिक विस्थितियों ने कर डाला बेगाना था। संविधान का विशेष दर्जा फर्क डालने वाला था, भाई जैसे राज्यों में जो भेद बढ़ाने वाला था, जिसके कारण मैं भारत से अलग थलग पड़ जाता था, अधिकारों की एक रूपता में बाधक बन जाता था। मैं तो विधान का बोझा और नहीं ढो सकता था, मैं तो दो विधान का बोझा और नहीं ढो सकता था। 370 अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था, 370 अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था, 370 अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था। आप विज्ञ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा तो मैंने लिखने की कोशिश की है। इतिहास का एक पृष्ठ रखता हूं आपके सामने, और अगर लग जाए कि मैंने सही सही कहीं कड़वी बात है पर सही ढंग से कहीं लिख दी है तो मेरी उस हिम्मत को सिर्फ दाद दे दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूँ स्वागत कि मांगों के सिंदूर उजड़ गए आजादी को पाने में, भरी जवानी फांसी झूली इंकलाब को गाने में। मांगों के सिंदूर उजड़ गए आजादी को पाने में, भरी जवानी फांसी झूली इंकलाब को गाने में। अपने अगणित लालों का बलिदान दिया भारत माने, आजादी का सूरज तब जा करके देखा आंखों ने। बटा देश दो खंडों में, भारत में पाकिस्तान बना, अपनों से ही मिला घाव सीने पर अमिट निशान बना। 565 रियासतों ने भारत को स्वीकार किया, जूनागढ़ हैदराबाद ने मिलने से इनकार किया, पर ज्यादा दिन ठहर न पाए दुर्गत भी करवा डाली। अब एक नाम लेता हूं आपकी अदालत में, मुझे उस नाम पर विशेष सम्मान है और मैं देखना चाहता हूं बनारस में उस वक्त कितना सम्मान मिलता है। निवेदन करता हूं, पर ज्यादा दिन ठहर न पाए दुर्गत भी करवा डाली, पर ज्यादा दिन ठहर न पाए दुर्गत भी करवा डाली। जब सरदार पटेल इन दोनों को औकात बता डाली, जब सरदार पटेल ने दोनों को औकात बता डाली, अब मेरी बारी थी, मैंने भी तो मिलना चाहा था। सन 47 अक्टूबर में संदेशा भिजवाया था, राजनीति के नीति नियंताओं की जिम्मेदारी थी, लेकिन भारत हित के ऊपर उनकी ईर्ष्या भारी थी। महाराज की अगुवाई दिल्ली को रास नहीं आई, अब्दुल्ला पर नेहरू जी की मेहरबानियां रंग लाई। सदर रियासत बन बैठा वो उसकी किस्मत जगवाई, 370 अनुच्छेद को संविधान में जोड़ दिया, 52 के दिल्ली समझौते ने हर सपना तोड़ दिया। शांति दूत कहलाकर श्वेत कपोत उड़ा कर चले गए, मेरे छोटे फोड़े को नासूर बनाकर चले। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, स्वागत। शांति दूत कहलाकर श्वेत कपोत उड़ाकर चले गए, मेरे छोटे फोड़े को नासूर बनाकर चले गए। मैं घायल जटायु सा केवल राम नाम को भजता था, मैं घायल जटायु सा केवल राम नाम को भजता था। 370 अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था, 370 अनुच्छेद को और नहीं सह सकता था, 370 अनुच्छेद। और साहब क्या प्रावधान थे उनमें, एक कुछ पंक्तियां वहीं से उठाता हूं, स्वागत। निवेदन करता हूं कि जो भारत में पृथकवाद की भावना ही भड़काता था, जो भारत में पृथकवाद की भावना ही भड़काता था, वातावरण विषैला करता उग्रवाद दहकाता था। पिछड़ेपन का जो कारक था जो दारिद्र बढ़ाता था, न्याय व्यवस्था चौपट करता कट्टरवाद जगाता था। जिसने भारत की जनता के अधिकारों को छीना था, रहने की इच्छाएं कुचली रोजगार को छीना था, जिससे बहन बेटियों के सब सपने कुचले जाते थे, ब्याह कहीं बाहर कर ले तो हक सारे छिन जाते थे। जो भारत की संप्रभुता से खेल खेलता आया था, मुखर्जी जैसे अगणित का
का शोणित बीताव आया था। असैव अनुच्छेद का नेता खुला समर्थन करते थे, जो घाटी को अपने पुरखों की जागीर समझते थे, जिस थाली में खाते थे फिर छेद उसी में करते थे, जो भारत व संविधान को खुली चुनौती देते थे। दूध पिलाना छोड़ फनों पर तांडव बहुत जरूरी था, दूध पिलाना छोड़ फनों पर तांडव बहुत जरूरी था। नाग पंचमी पर वैसे नागों का दमन जरूरी था, नागों का दमन जरूरी था। नाग पंचमी बहुत अच्छे। हारा महादेव नाग पंचमी पर ऐसे नागों का दमन जरूरी था। कुछ अंतिम पंक्तियां रखता हूं कि दिल्ली तुझको लाख बधाई वंदन है अभिनंदन है। क्या बात। हमारा कोई काम हो जाता है तो हमारा एक मानवीय स्वभाव होता है, हम उसे आभार प्रकट करते हैं कि आपने मेरा एक काम कर दिया, आपने मेरी पीर हर लिया, आपने मेरे नासूर को खत्म करने का काम किया, तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। तो बस वही आभार है, मैं निवेदन करता हूँ कि दिल्ली तुझको लाख बधाई वंदन है अभिनंदन है, मातृ भारती मस्तक करती अक्षतरोली चंदन है, जिससे जो उम्मीद जगी थी उसने वो कर डाला है, दुष्ट द्रोहियों के मुंह को कर डाला जिसने काला है, राष्ट्र विरोधी सोच रहे पड़ गया ये किससे पाला है, चाणक्य नीति में पारंगत दिल मगर में राणा का भाला है, केवल भारत माता के हित जिसको मरना जीना है, केवल भारत माता के हित जिसको मरना जीना है, केवल भारत माता के हित जिसको मरना जीना है, विश्व समूचा मान चुका यह छप्पन विंची सीना है। है है वाह, क्या कहने बाबा बाबा बाबा। छप्पन इंची सीना है, विश्व समूचा मान चुका यह छप्पन इंची सीना है। बहुत बहुत आभार तुम्हारा पीर हमारी हरने का, सारे कष्ट मिटाने का, दुख दारिद्रों को दरने का, शंकराचार्य कश्यप अगस्त का तुम्हें सदा आशीष मिले, वैष्णो माँ की कृपा रहे, नित गर्वत उन्नत शीश रहे, तू नायक है सवा अरब की सेना हिंदुस्तानी का, तू नायक है सवा अरब की सेना हिंदुस्तानी का, सिर पर साया बना रहे मेरे बाबा बर्फानी का, सिर पर साया बना रहे मेरे बाबा बर्फानी का, मैं शबरी समान तेरी वर्षों से बाट जोहता था, मैं शबरी समान तेरी वर्षों से बाट जोहता था, 370 अनुच्छेद को और नहीं सह सकता। वाह 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 वाह, 370 अनुच्छेद को भाई जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिएगा एक बार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत आभार।